उपमंडल मुख्यालय संगड़ा में बुधवार को उत्तराखंड के विकास नगर से बिना अनुमति पहुंची मोहम्मद सलीम नामक शख्स की सब्जी की गाड़ी ने जिला सिरमौर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस व प्रशासन की सख्ती पर लोगों को सवाल उठाने का मौका दे दिया। दोपहर करीब 12 बजे संगड़ा से हरिपुरदार गई यूके 16 सीए 1070 व इसमें मौजूद मोहम्मद सलीम को जाने दिए जाने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। इस बारे स्थानीय लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए जाने के अलावा उच्च अधिकारियों से भी बात की गई। इसके उपरांत लौटते समय बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पुलिस द्वारा उसे रोका गया तथा धारा 144 की अवहेलना का मामला दर्ज किया गया। लौटते वक्त पुलिस द्वारा उत्तराखंड के उक्त शख्स को संगड़ा में पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। डॉक्टर निशा द्वारा उनकी जांच की गई तथा इसके बाद उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया। डीएसपी संगड़ा अनिल धोल्टा तथा थाना प्रभारी जीतराम ने बताया कि मोहम्मद सलीम के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा चुका है। विकास नगर उत्तराखंड से यहाँ पर सब्जी की गाड़ी आई थी, उसमें जो गाड़ी की सप्लाई लेकर आया था उसका नाम मोहम्मद सलीम है, और जब यहाँ पर स्थानीय व्यापार मंडल के लोगों ने उसका विरोध किया और पुलिस वालों से निवेदन किया कि ये जब लॉकडाउन जो है पूरे देश में है और डिस्ट्रिक्ट से बाहर गाड़ियाँ नहीं जा रही है तो बाहरी राज्यों से किस तरीके से गाड़ियाँ आ सकती है, इसके बारे में हम चाहेंगे कि बड़े अधिकारी जो इनिशिएटिव लें ताकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को जो है लॉकडाउन 14 दिन के लिए जो है हिरासत में लेकर उनको रखा जाए, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है।